आईना में आया दो साल का लीप नकली सुनैना ने बताई कुमुद को अपनी पहचान नंगल टीवी शो आईना के आने वाले एपिसोड में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है सबसे पहले सुनैना को बचाते हुए कुमुद नरेश की जान लेगी और एक बार फिर से सुनैना के ऊपर हमला होगा और सुनैना की भी जान चली जाएगी इसके बाद शो में दो साल का लीप आएगा लीप के बाद नमन सुनैना की हम शक्ल से मिलेगा नमन उसे अपने घर लेकर आएगा और घर वालों के सामने उसे सुनैना बोलकर इंट्रोड्यूस करेगा वैसे तो पंकजा उसे सुनैना मानने से इनकार कर देती है लेकिन ये नकली सुनाना असली सुनैना के जैसी नहीं है अगर इस नकली सुनैना के खिलाफ कोई कुछ बोलता है तो ये पलटवार करती है और मुंह तोड़ जवाब देती है घर वालों को किसी तरीके से ये यकीन दिला देती है कि वो सुनैना ही है लेकिन जब वो ये देखती है कि कुमुद बहुत ही ज्यादा परेशान है रात में सब सो चुके हैं लेकिन कुमुद रो रही है तो नकली सुनैना कुमुद के पास जाती है उसके आंसुओं को पोचती है उसे चुप कराती है और कहती है कि मैं सबसे झूठ बोल सकती हूँ लेकिन आपसे नहीं मैं आपकी बेटी सुनैना नहीं हूँ मैं सिमरन हूँ और मुझे पता है की दो साल पहले आपकी बेटी की मौत हो गई है सिमरन को मुझसे बोलती है कि बचपन में ही मैंने अपनी माँ को खो दिया और दो साल पहले आप अपनी बेटी को खो चुकी है यानी कि भगवान ने हम दोनों को इसीलिए मिलवाया है ताकि हम हमारे अधूरे रिश्ते को पूरा कर सके अब देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या सच में ये सिमरन है और क्या सच में सुनैना मर चुकी है आपका क्या कुछ कहना है इस पूरी अपडेट को लेकर आप अपना ओपिनियन हमें कॉमेंट के जरिए जरूर बताइए और साथ ही टेलीविजन ऐसी जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करे हमारे चैनल को